भाई ये पेपरों की तैयारी हो रही है या लड़ाई की तैयारी हो रही है? हैं? पोयम देखी जा रही है। पोयम देखी जा रही है? हाँ। तो भाई मैंने आपसे कहा था पढ़ना है, पेपरों की तैयारी करनी है। हानिया पर्चा देके आ गई है, क्या बोला आपने? मैं बोला अंकल ये सामान शेरी अंकल के घर पे पहुंचा देगा। ओके जनाब, शेरी की दुनिया में आप सबको खुशामदीद कहते हैं एक नए व्लॉग में। भाई सीन ये है कि जब हमारे पेपर हुआ करते थे तो भाई हम सब कुछ छोड़कर घर में बैठ जाया करते थे कि भाई अब पेपर होने हैं, अब पेपरों की तैयारी करनी है। तो इसी तरह अब तीन तगड़ा काम बिगाड़े की टीम में जो है पेपरों की तैयारी शुरू हो गई है। मंडे से पेपर है एनुअल पेपर और उसकी तैयारी कर रही हैं। ये नहीं हानि है। ये लड़कों की और लड़कियों की कॉपी अलग होती है क्या? लड़कियां जब छुट्टी करेंगी तो सही होगी ना कॉपी? और लड़कों की मैंने पहले छुट्टी ना, तुमने करी है तो छुट्टी पड़ेगी दिन तो कॉपी सही रहेगी ना? मेरे को ये भाई के ये पेपरों की तैयारी हो रही है या लड़ाई की तैयारी हो रही है? अबे यार भाई वो लड़ाका। अच्छा भाई अच्छा। भाई इस वक्त जो है अहमद रजा और हानिया दोनों जो है पेपरों की तैयारी कर रहे हैं और अहमद रजा से जानते हैं। अहमद रजा कब है पेपर आपके? तैयारी हो गई आपकी? अच्छा भाई हानिया और अहमद रजा की दोनों की तैयारी हो गई है और हानिया ने एक ना टेक्निक बताई है अहमद रजा को नकल करने की। हाँ हानिया क्या थी नकल करने की टेक्निक? एक मिनट हानिया बताएगी। हाँ हानिया बताए। भाई हानिया ने नकल करने की नई टेक्निक निकाली है। सनी प्लास लगा के जाओ, वहाँ लिखो सनी प्लास लगा दो, मैं समझेंगे कि भाई वो आ रहे क्या कहते हैं चोट लगी हुई है। हाँ है मजा, आपकी क्या टेक्निक है? मैं भी यही बता रहा था। लेकिन नकल करना गंदी बात होती है। अच्छा ये बताओ भाई हमारे दौर में तो नकल करने के पता नहीं क्या क्या तरीके होते थे, लेकिन आजकल के जो जदीद बच्चे हैं ना उनकी जदीद नकल करने के तरीके हैं। लेकिन ये कि नकल करना गंदी बात है, चीटिंग गलत बात है, लेकिन हम थोड़ा सा मजाक कर रहे हैं। ये रियलिटी रियल मत समझना भाई, हम मजाक कर रहे हैं। हानिया और अहमद मजाक कर रहे हैं और अभी स्टडी चल रही है। मंडे से इन लोगों का पेपर है, इंग्लिश का पहला पेपर है और रिटन में भी है और ओरल भी है। ओरल भी है ना? हाँ ओरल भी है रिटन भी है। तो और इनकी तैयारियां चल रही हैं और बड़ा मज़ा आ रहा है। अच्छा गर्मी पता है आपको, पता है गर्मी बहुत हो गई है यार, 40 डिग्री सेंटीग्रेड जा रहा है इस वक्त जो है कराची का। तो समझ में ये नहीं आ रहा कि मंडे को क्या हो। व्लॉग भी बनाना बहुत ज़रूरी है भाई जी। हाँ ये देखिए भाई एमा, ये किसने पेंसिल मारी है? ये हमारे घर में एक बहुत बड़ा पढ़ा लिखा इंसान है जो दीवारों पर पेंटिंग करता है, दीवारों पर लिखता है। ये देखें, ये आपके घर में कुछ बच्चे होते होंगे दीवार में, हमने बचपन में कभी भी दीवारों पे नहीं लिखा। ये देखें ये देखें ये दीवार है, वो दीवार, ये दीवार, मतलब हमारे घर में पूरी दीवारें जो है ना वो हादी रजा ने पेंसिल ले लेके जो है ना पूरी दीवारें जो है ना वहां पर लिख दिया। तो ये भी एक पढ़ाकू है। अच्छा भाई मैंने कहा है कि जो पेपरों में जिनकी पेपरों में अच्छी परफॉर्मेंस होगी उसको मेरी तरफ से मिलेगा एक टैबलेट। हाँ अब देखना है कि हानिया परफॉर्मेंस अच्छी कर होती है, फर्स्ट आते हैं ये अहमद रजा और टैबलेट किसको मिलता है अब ये देखते हैं। भाई टैबलेट चाहिए अहमद रजा, टैबलेट चाहिए। टैबलेट के चक्कर में अच्छा पढ़ना है, रिजल्ट अच्छा आना चाहिए। हाँ भाई टैबलेट के चक्कर में इनका रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, मैंने उनसे बोल दिया और इनको हम टैबलेट देंगे जी। हानिया जी आप सब तो पता है ट्यूशन वाले
भाई संडे वाले दिन भी बच्चों को बुलाया भाई, लेकिन जब पेपर होते हैं तो संडे वाले दिन भी पढ़ना पड़ता है आपको पता है। अच्छा ये बताओ आप व्लॉग बना रही हो और आपके तो पेपर है तो गलती व्लॉग बनाना तो बहुत जरूरी है। और हमारे जल्दी से आप सब्सक्राइबर पूरे करते हैं, वॉच टाइम पूरा करते हैं ताकि हम सेलिब्रेट करें। और हम दुआ कर रहे हैं जल्दी से सब्सक्राइबर पूरे हो, लेकिन हमारे पेपर आ गए, अब पेपर खत्म होंगे उसके बाद सेलिब्रेशन करेंगे। दुआ नहीं लग जाए मेरे सामान की। हाँ सब्सक्राइबर पूरे ना हो जाए बद्दुआ लग जाएगी। हाँ लेकिन पता है हमारे पेपर जब खत्म हो जाएंगे ना उसके बाद सेलिब्रेशन करेंगे, अभी हम नहीं कर सकते, अभी हम कुछ भी नहीं कर सकते, अभी सिर्फ पेपर हो रहे हैं। अच्छा आपको पता है गर्मी गर्मी जब होती है तो हानिया क्या करती है, हानिया गर्मी होती है तो क्या करती हो? अभी गर्मी बहुत हो रही है, एसी चलाई। अभी दोपहर में क्या खाया आपने, क्या खाया है गर्मी में? लस्सी और दही। भाई हमने ये रूटीन बना रही है क्योंकि जिस तरह की गर्मी पड़ रही है उसी हिसाब से हमने अब दोपहर में दही का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। हमने दूध और दही की लस्सी बनाई, बच्चों ने पी, मैंने पी, घर में बनाई है और बड़ा मज़ा आया। और आप भी अपने बच्चों को हीट स्ट्रोक क्योंकि चल रहा है इस वक्त, अपने बच्चों को लस्सी और दूध की लस्सी या फिर लीमू का पानी, इन तमाम चीज़ें, पानी का जो इनटेक है ना वो ज़्यादा करें क्योंकि इस वक्त बाहर जो है ना हीट स्ट्रोक है, क्योंकि धूप की तपिश इतनी है कि जितने भी लोग हैं उनको बहुत सारे लोगों को चक्कर आ रहे हैं, तबीयतें ख़राब हो रही हैं। तो आप लोग इस गर्मी में एहतियात करें, हीट स्ट्रोक चल रहा है और गर्मी में ज़्यादातर कोशिश करें कि बाहर बिला ज़रूरत ना निकलें। और बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं या फिर किसी काम से जा रहे हैं उनको फ़ौरन मुंह धुलाएं, उनको जो है दही का इस्तेमाल ज़्यादा करें दोपहर में। तो अभी हमने ये रूटीन बना ली है और पेपरों की तैयारी की वजह से हम कहीं नहीं जा पा रहे, सेलिब्रेशन भी अभी नहीं हमने रोक दी है, जब पेपर ख़त्म होंगे उसके बाद सेलिब्रेशन होगी। तो ये सीन चल रहा है भाई। ये और है पोएम देखी जा रही है। तो भाई मैंने आपसे कहा था पढ़ना है, पेपरों की तैयारी करनी है। अहमदा पेपर छुट्टी में। अच्छा भाई सीन ये है कि इस वक्त शाम हो गई है और दोपहर में एग्ज़ाम की तैयारी करने के बाद, पढ़ाई करने के बाद अहमदा चले गए ट्यूशन और अभी शाम हो गई है तो हम बाहर आके बैठे हैं। और हानिया का मूड ऑफ है क्योंकि हानिया के हाथ में एक पर्चा है, ये देखें आप। और हानिया बोल रही हैं कि ये जो महीने के सामान का जो पर्चा है ना ये परचून की दुकान पे देके आएंगी। अब मैंने कहा है कि यार आप छोटी सी हैं और मेन रोड है और कोई पकड़ के ना ले जाए, तो अब ये जो है ना नाराज़ हो रही हैं इस बात पे। अब अंदाज़ा करें ये छोटी छोटी जो बच्चियाँ होती हैं ना इनको अकेले कहीं नहीं जाना चाहिए, घरों के पास करीब करीब, क्योंकि आपको पता है बच्चियों के लिए ये माहौल कैसा है, ये रक्षे वाले, ये दूसरे शहरों से आए हुए लोग, तो थोड़ा सा डर खौफ ही रहता है। बच्चियों के लिए जो ना थोड़ी सी अवेयरनेस होनी चाहिए कि बच्चियों को जो है बाहर अकेले ना भेजें, बच्चे जो हैं उनको भी नहीं भेजना चाहिए लेकिन बच्चियों की स्पेशली। तो अभी मैं समझा रहा हूँ, उनकी समझ में नहीं आ रही। हानिया आपको जाना है, अकेली जाओगी, किसी ने पकड़ लिया फिर मारोगी? कैसे मारोगी, वो तो पकड़ के ले जाएगा आपको। हैं क्या हो गया? हानिया पर्चा देके आ गई है, क्या बोला आपने? अच्छा तो भाई सीन कुछ ऐसा है कि हानिया ने पर्चा दे दिया है और परचून की दुकान, और हानिया बड़ी दिलेरी के साथ भागती भी गई और पर्चा दे के आ गई। और अभी हम जो है घर जा रहे हैं, हमारी चाय तैयार है। और आज का जो व्लॉग है वो ये था कि भाई एग्ज़ाम हो रहे हैं, मंडे से एग्ज़ाम है हानिया और अहमद जाके तीन तगड़ा काम बिगाड़ा की टीम के, और जो है पेपरों की तैयारी है, लेकिन शाम में खेल कूद भी ज़रूरी है और बहुत ज़रूरी है। और वहाँ 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 हानिया जो है हानिया कहती है अच्छा इधर 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 यहाँ पर यहाँ पर, तो भाई ये रही ये रही ये रही ये रही ये रही ये रही। तो एग्ज़ाम बहुत ज़रूरी है लेकिन पढ़ाई के साथ साथ जो है खेल कूद भी बहुत ज़रूरी है, बच्चों पर बर्डन नहीं होना चाहिए। और भाई शरीक को लाइक फॉलो सब्सक्राइब, और हानिया और वो पेपरों की तैयारी का क्या हुआ? अल्लाह हाफिज। पेपरों की तैयारी चल रही है भाई, खेल कूद भी ज़रूरी है।